आम का जो डाईबैग वाली जो बीमारी लगती है, तो आम का डाईबैग बीमारी क्यों लगता है तथा इसके क्या उपाय हैं इसको रोकने के। सबसे पहले देखते हैं कि ये आम की जो डाईबैग बीमारी है किस कारण लगती है। तो इसका मेन कारण रहता है फफूंद, जो कि बैक्टीरियोस्फिरा रेडिना नामक जो फफूंद होते हैं उनके कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके मैं लक्षण की बात करूं तो ये ना आम के वृक्ष को संक्रमण के लक्षण जो है इसके सूखी टहनियों के द्वारा पता चलता है। आप देखेंगे कि ऊपर की जो टहनियां रहती हैं, वो आम के कुछ भाग की जो टहनियां रहती हैं वो सूखने लगती हैं, ये उसका मेन लक्षण रहता है। दूसरा रहता है कि रोग के पहले चरण के दौरान में ना पेड़ की जो छाल है वो फीकी हो जाती है तथा गाढ़े रंग की हो जाती है। और इसके तीसरे लक्षण हैं कि इसके जो युवा टहनी है, मतलब जो कोमल टहनियाँ हैं, वो सूखने लगती हैं और बाहर की तरफ फैलने लगती हैं। इसके साथ इसके चौथे लक्षण जो रहते हैं, तो ये रोग के लगने के जो अंतिम चरण जब आ जाती है, तो उस समय आप देखेंगे कि टहनियाँ और शाखा में जो गोंद जैसे पदार्थ है उसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रारंभ में तो फिलहाल गोंद की छोटे छोटे बूंदें दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ये रोग बढ़ता जाता है तो उसकी पूरी शाखा जो है गोंद से ढक जाती है। ये वाले रोग अगर ज़्यादा बढ़ती है तो वृक्ष की छाल या पूरी की पूरी शाखाएँ मर जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाली बीमारी के फैलने के लिए क्या वातावरण चाहिए तथा कैसे वातावरण में ये वाला बीमारी फैलता है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाले जो फंगस है वो लंबे समय तक पौधे के ना परिगलन ऊतक में जीवित रहते हैं। इसके साथ साथ ये आम के पेड़ के तना में, शाखा में उपस्थित घाव के माध्यम से भी ये जो संवहन प्रणाली होती है, जैसे जालम और फ्लोएम होता है, उसके माध्यम से ये उसमें घुस जाता है। संक्रमण कैसे फैलता है इस पूरी जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को भी प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि ये कीड़े मकोड़े या फिर खेत में काम करते समय जो यंत्र वगैरह जो पौधे को जो घाव करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, उसके माध्यम से शायद ये पेड़ में फैलता है। इसके बारे में भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लोहे, जिंक और मैग्नीज की कमी भी ये रोग को फैलाने में मदद करते हैं। अगर पौधे में लोहे, जिंक और मैगजीन की कमी होती है तो भी वैसे वाले पौधे में ज़्यादा इसके लगने की चांसेस रहती हैं। इसके बाद होता है कि तनाव में आना भी इसके होने के एक लक्षण आपको दिखाई देगा। मतलब पौधे जैसे ही पानी की कमी या फिर ठंड के पड़ना, तो ऐसे जब पौधे तनाव में आता है तो उस स्थिति में भी ये बीमारी लगने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके निवारण के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। निवारण के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कल्चर प्रैक्टिस, जिसको हम लोग डेली लाइफ में उतार के उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अपने पेड़ों को स्वस्थ रखें और उन्हें नियमित रूप से पानी दें, उसको पानी का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सेकंड है कि ऐसे क्षेत्र में पौधे न लगाएं जहां ठंड के तनाव हो या पोषक तत्वों की कमी की संभावना हो। तीसरा है कि प्रारंभिक चरण में संभावित संक्रमण की पहचान करने के लिए नियमित रूप से बगीचे की आप निगरानी करिए। चौथा है कि पेड़ों को नुकसान और घाव पहुंचाने से बचिए, क्योंकि ये कवक के प्रवेश मार्ग होता है। पाँचवा है कि बगीचे में मृत पेड़ों के अवशेष को आप तुरंत निकाल दीजिए, जो भी पौधे इफेक्टेड है उसको तुरंत निकाल दीजिए। छठवां है कि संतुलित उर्वरक का उपयोग करिए। ये हो गया उसके कल्चर प्रैक्टिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या जैविक उपाय कर सकते हैं ये वाले फंगस को दूर करें। संक्रमित पेड़ के हिस्से को निकालें और तुरंत नष्ट करें। इसके साथ साथ जो आपके बाग के आसपास के क्षेत्र रहते हैं उसको आप क्लीन रखिए, घास फूस वगैरह को हटाइए, क्योंकि घास फूस के अवशेष में भी ये फंगस जीवित हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप दही में तांबे को 7 दिन डाल के रखिए, उसके बाद तांबे को मांझ के उसी दही में मिला के उसका आप 1 लीटर पर टंकी के हिसाब से आपके पौधे में स्प्रे करिए। इससे आपके पौधे में जो ये बीमारी है वो दूर हो सकती है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि इसके हम लोग रासायनिक में क्या नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उसके बाद 0.3% के घोल के हिसाब से हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाना चाहिए। इसके साथ साथ पेड़ों में संक्रमण के दर को कम करने के लिए जो बोडो मिक्सर जो आती है, तो बोडो मिक्सर को वर्ष में 2 बार पौधे में उसमें लेपित करना चाहिए हमको। इसके साथ तीसरा होता है थियोफेनेट मिथाइल युक्त जो कवकनाशी आते हैं, जो फंगीसाइड आते हैं, उसका भी स्प्रे करने पर ये कुछ हद तक इसमें दूर हो सकता है। इसके साथ साथ चौथा ये रहता है कि पेड़ों पर आप बिफेथ्रीन लगाएं। क्या होता है कि पौधे के छाल में अक्सर आप देखेंगे उसमें कीट हो जाते हैं, तो उसमें बिफेथ्रीन को आप उसमें डुबो के, मतलब रुई को उसमें डुबो के उसके जितने भी होल रहते हैं उसको आप छेद मिट्टी से उसको बंद करिए, जिससे कि सारे कीट मरेंगे। क्योंकि कीट लगेंगे तो पौधे को नुकसान पहुँचाएंगे तो उसके माध्यम से भी ये फंगस फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आप फसल में इतनी सावधानी रखते हैं तो आपके फसल में जो डाईबैग की जो समस्या है ये डाईबैग की समस्या नहीं आएगी, और आ भी गई है तो उससे दूर होने के संभावनाएं हैं।
तो इससे संबंधित कुछ भी आपके सवाल तो सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप करिएगा सब्सक्राइब तथा उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित ऐसे नए नए वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।